पर सिटी स्कैन हो रहा है, ये देखो। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बड़े होंगे। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ सचखंड एक्सप्रेस के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, और आपके साथ जर्नी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ सेक्शन में जरूर एक कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी जर्नी, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो अभी जो है थर्मल स्कैनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। पिछली बार मैं आया था तो पिछली बार नहीं हुआ था थर्मल स्कैनिंग वगैरह, वो भी यहीं पर हुआ था झांसी के रेलवे स्टेशन पर। तो अभी स्कैनिंग वगैरह हो चुका है सब कुछ, और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, फिर चलते हैं एंड ब्लॉक को करते हैं कॉन्टिन्यू। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। तो जो ट्रेन है, ट्रेन एकदम टाइम पे आ चुकी है, और मेरे जो पीछे ही है ये भी सचखंड एक्सप्रेस। तो और जो मेरा कोच है वो D1 है, जो कि ये है, और जो इसकी सीट्स वगैरह आपको दिखा दूँ मैं, तो ये वाली RAC वाली सीट्स है सारी, ये इस तरीके के नंबर्स वगैरह, क्लीनलीनेस काफ़ी सही है। तो फाइनली झांसी स्टेशन से ट्रेन जो है चल चुकी है, बिल्कुल ठीक 5 बजे का टाइमिंग था यहाँ से चलने का, तो चल चुके हैं यहाँ से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धौलपुर रेलवे स्टेशन, एंड ये रहा रेलवे स्टेशन। ये देखो पूरा रेलवे स्टेशन एकदम खाली पड़ा हुआ है इधर से, एंड अभी क्या है ना कि कोई भी पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर वगैरह पर नहीं दिख रहा मेरे को। और जो ट्रेन है वो हो चुकी है 2 मिनट लेट हुई है, सिर्फ 2 मिनट, तो वो आगे जाके कवर कर लेगी, अदरवाइज ट्रेन जो एकदम टाइम पर चल रही है। तो चलो चलता हूँ मैं आगे, और मुरैना रेलवे स्टेशन से कवर नहीं कर पा रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, अगले धौलपुर रेलवे स्टेशन। धौलपुर जंक्शन से जो है ट्रेन चल चुकी है। आगरा रेलवे स्टेशन, पीछे स्टेशन है, देखते हैं किस साइड आता है, उस साइड आता है कि उस साइड आता है। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं आगरा रेलवे स्टेशन पे, और ये ट्रेन खड़ी हुई है, और मेरा जो कोच है वो काफ़ी पीछे पड़ रहा है, काफ़ी पीछे है D1, जो कि आई थिंक जनरल कोच होता है, इन्होंने सेकंड क्लास कोच बना रखा है इसको। तो अभी चलते हैं, टाइमिंग हो चुका है, सिर्फ दो तीन मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर, तो ट्रेन टाइम हो चुका है। तो चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर, एंड दिखाता हूँ यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सारी शॉप्स आगे की साइड। तो आगरा रेलवे स्टेशन पर है 5 मिनट का स्टॉपेज, 5 मिनट ट्रेन चुकी है, जैसे मैं आगे नहीं जा सकता, कुछ स्टेशन वगैरह देखें, और यहाँ पर कोई शॉप्स वगैरह है, सारी शॉप वगैरह और साइड है, तो उधर मैं जा नहीं रहा, ठीक है। तो मिलते नए स्टेशन पे, जो कि होने वाला मथुरा रेलवे स्टेशन, और वैसे भी ट्रेन वगैरह जो है ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर रुकती है, नॉर्मल जो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रहे हैं उन पर रुकती है, बाकी नहीं रुकती है।
होगा। जब हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे खाना वगैरह थोड़ा सा मिल रहा है। ये देखो अंकल सेल वगैरह कर रहे हैं, और पैसेंजर्स कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स हैं, तो वापस चलता हूँ। मेरे पास 3 मिनट का स्टॉपेज है और पैसेंजर उतर रहे थे, इसलिए मैं नीचे पहले नहीं कर पाया, तो नीचे वीडियो नहीं बना सकता। मेरे को ट्रेन जो है चलने वाली है, और बता दूँ पूरी ट्रेन एकदम खाली पड़ी हुई है। आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि पूरी ट्रेन एकदम खाली पड़ी हुई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन की ओर, जो भी होने वाला है फरीदाबाद की ओर। एंड मिलते हैं फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे। नहीं मिल पाए तो मिलते हैं सीधा घर पे, और इस वीडियो को करते हैं कॉन्टिन्यू। तो जब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जरूर से। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है वीडियो देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ये है इंडियन रेलवे का मिरर एंड इस साइड को। ये थोड़ा सा COVID-19 से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी है, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी है कि हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं, हैंड सैनिटाइज़र, डिस्टेंस वगैरह बना कर रखने के लिए। तो अब ट्रेन जो है यहाँ से चलने वाली है मथुरा रेलवे स्टेशन से। इसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, और मैं एकदम जो है टाइम पर पहुंच गया था, अराउंड 11 बजे समथिंग का कुछ टाइम था, तो एकदम टाइम पे ट्रेन पहुंची थी। और उसके बाद मैं ब्लॉग करना भूल गया यार, सो सॉरी यार। इस वीडियो को यार एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड यार कमेंट कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना। सो चलो चलता, टिल देन बाय।